सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ENTGoodcon.com में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट एट न्योम हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम आप लोगों से बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे, जिसे कहते हैं ईयरवैक्स। ईयरवैक्स माने कान में मैल। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जिन लोगों को कान में मैल बन रहा होता है, कई बार वो इसको एक बीमारी समझते हैं, बल्कि दूसरे लोग इसको कई बार एक हाइजीन का प्रॉब्लम भी समझते हैं। आइए तो जानते हैं ईयरवैक्स क्या है, क्यों बनता है और इसको हमें कैसे मैनेज करने की ज़रूरत है। आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि हमारे कान के बाहरी हिस्से में सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं, जिनका मेन काम ईयरवैक्स बनाना होता है। और ईयरवैक्स का बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल होता है और ये एक एसिडिक सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से हमारे कान के अंदर बैक्टीरिया और फंगस पनप नहीं पाते। कान में जाते हुए धूल, मिट्टी, छोटे पार्टिकल्स को भी साफ़ करने में ये मदद करता है। इसके साथ ही साथ कान में एक वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन बनाता है, जिससे हमारे नहाने के टाइम पे या स्विमिंग के टाइम पे कान में जो पानी अंदर जाता है वो रुकता नहीं है और आसानी से बाहर आ जाता है। ईयरवैक्स दो तरह का होता है। कॉमनली हम देखते हैं ये वेट टाइप का होता है, जो जेली टाइप होता है, और अक्सर हम देखते हैं ब्राउन कलर का, काले कलर का, एम्बर कलर का हो सकता है। कई बार एम्बर कलर में लोग सोचते हैं कि कान में कोई जख्म हो गया है या कोई खून आ रहा है, और कई बार वो इस वजह से चिंतित भी हो जाते हैं। दूसरा टाइप का वैक्स होता है सूखे टाइप का, ड्राई टाइप का। अक्सर ये अंदर कान में जम जाता है और अंदर फंसने की वजह से ये इरिटेशन करता है, खुजली करता है और परेशानी पैदा करता है। दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारे कान में एक ऑटो क्लीनिंग या सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है। माने कि जो कान में हमारे वैक्स बनता है, कान के बाहर के हिस्से में बनता है, और जैसे हम बोलते हैं, जब खाना चबाते हैं, अपने जबड़े को चलाते हैं, ऐसे वाइब्रेशन के ज़रिए ये वैक्स धीमे धीमे बाहर की तरफ आता रहता है।